बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत नारे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। डेक्कन हेराल्ड अखबार को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं बीजेपी मुक्त भारत नहीं चाहता, मैं उनसे लड़ूंगा और उन्हें हराऊंगा। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को हिंदुत्व की समझ नहीं है। फेसबुक से डेटा चोरी कर चुनाव अभियान के दौरान गलत इस्तेमाल करने की आरोपी कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका बंद हो जाएगी। कंपनी के ग्राहक उससे दूर हो गए हैं और उसे खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। इसके चलते उसने यूके और यूएस दोनों जगहों पर व्यापार बंद करने का फैसला लिया है। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। इस बीच मीडिया वॉच डॉग द हूट ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि भारत में 2018 के पहले चार महीने में कई पत्रकारों की हत्या हुई। इसी साल जारी विश्व प्रेस सूचकांक में 180 देशों में भारत 138वें स्थान पर था।